स्वागत करेंगे प्रभु के दास का, क्योंकि बहुत दूर से चलकर हमारे बीच में प्रभु के दास आए हैं। क्या ही धन्य है वे लोग। लिखा है प्रभु के वचन में कि जिस घर में प्रभु के दास के पैर पड़ जाते हैं, सब स्वागत करेंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और पुकारिए कि प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं तू यहां पे है। मैं विश्वास करता हूं तूने मुझे छू लिया है। मैं विश्वास करता हूं तूने मुझे चंगा कर दिया है। मैं विश्वास करता हूं मैं आज फ्री हो चुका हूं। मैं विश्वास करती हूं मैं आज फ्री हो चुकी हूं। यीशु तूने मुझे छू लिया है। यीशु तूने मुझे चंगा किया है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से आप सच में चंगे हो चुके हो। आज कई लोग छुटकारा पाने वाले हैं। कई दुष्टात्माएं छोड़ कर निकलेंगी। कई बीमारियां छोड़ कर छाएंगी यीशु के नाम से। इसलिए विश्वास के साथ खड़े रहना है, प्रभु की हजूरी में खड़े रहना है, क्योंकि हमारा यीशु आ चुका है और वो हमारे बीच में है, हमारे बीच में चल फिरता है, हमारे बीच में घूमता है और हम लोगों को चंगा करने वाला है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हमारे
उसके अंदर थी, आज वो ठीक हो चुकी है। हालेलुया, सब बोलेगा हालेलुया। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, और मैं बात कर रहा था कि जैसे हमारे परिवार को कोई किसी दुष्ट आत्मा से, किसी गलत लोगों से हम बचाते हैं, उसी तरह हमारा ये संसार हमारे परमेश्वर का एक परिवार है, उसकी फैमिली है। और इस संसार में परमेश्वर के लोगों को बिगाड़ने के लिए शैतान के वचन में लिखा है, जिसको प्रभु ने चुना है, जिसको प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए खड़ा किया है, उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। और आज आपके ही गांव का एक ईंट बनाने वाला एक मामूली लड़का, जिसको प्रभु ने मिट्टी में से उठाया और अपना सेवक होने के लिए बुलाया है, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे ताली बजाकर। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आप में भी ऐसे लड़के लड़कियां होंगे जिनको प्रभु आने वाले दिनों में बुलाने वाला है, आपको अपनी सेवकाई के लिए, अपने कार्य के लिए बुलाने वाला है। आप में से उठेंगे, हो सकता है वो उत्तराखंड से हो सकता है हरियाणा से हो सकता है वो यूपी से हो सकता है वो कहीं से भी हो, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे कहता है, जैसा प्रभु ने कहा है, जाओ और चेले बनाओ ताकि वो सब जातियों में जाकर मेरे वचन का प्रचार करें, सुसमाचार का प्रचार करें, और बीमारों को चंगा करें, और दुष्ट आत्माओं को निकालें, और अंधकार में बैठे हुए को ज्योति में लेकर आए। आज वो समय है, आप ही के गाँव का लड़का जिसको प्रभु ने अपना सेवक होने के लिए चुना है, और बाइबल में लिखा है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है, इसलिए तुम जाओ और जाकर फलदार हो, क्योंकि तुम्हारा फल हमेशा बना रहना चाहिए, तुम्हारा फल कायम रहना चाहिए। आज पवित्र आत्मा इस लड़के को छूकर ब्लेस करने वाला है। आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे, जल्दी से यशाया 61:1 पढ़िएगा फटाफट। हाँ जी, प्रभु यहोवा का आत्मा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दासों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। और आज डेविड का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से अभिषेक किया जा रहा है। मैं चाहता हूं सब लोग अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखें बंद करें, जल्दी से जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सेनाओं के यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आज आपके वचन के अनुसार पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में प्रभु जी आपके बेटे डेविड का आपकी हजूरी में इनवाइटिंग ऑयल से अभिषेक किया जाता है, और आपके सेवक के रूप में उसको घोषित किया जाता है। मैं आपका सेवक होने के नाते प्रभु जी आपके बेटे डेविड को यहाँ के कलीसिया के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, जाति जाति के लोगों के लिए प्रभु जी आपका सेवक होने के लिए घोषित करता हूँ। यीशु मसीह का पवित्र लहू, वचन में जैसे लिखा है, यीशु मसीह का पवित्र लहू जो सर से लेकर पांव की तली तक
शुक्र चंगा कर देता है। उसी रीति से आज प्रभु जी आपके पवित्र लहू के द्वारा प्रभु जी मैं आपके बेटे को पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करता हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आपका सेवक होने के लिए घोषित करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में यीशु मसीह का शागिर्द होने के लिए, यीशु मसीह का चेला होने के लिए मैं आज इसका अभिषेक करता हूँ। थैंक यू जीसस, और इसको आपका चेला घोषित करता हूँ। इसको आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। आपका बेटा जहाँ भी जाए आपके वचन का प्रचार करे, सुसमाचार का प्रचार करे, बीमारों को चंगा करे, रोगियों को उठाए, गिरोहों को उठाए, दुष्टात्माओं को निकाले और यीशु मसीह के राज्य के लिए जाति जाति के लोगों को तैयार करे। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने अभिषेक किया यीशु मसीह के नाम से। आमेन। सारे जोरदार ताली बजाइए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया जीसस, अपने हाथों को उठाकर ताली बजाइए सब मिलकर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब लोग खुश हैं, आइए खड़े हो जाइए। थैंक यू जीसस, जोरदार ताली बजाइए। Thank you.